Hello dear friends, you are most welcome in my YouTube channel Adarsh Institute of English. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा द प्रील्यूड के बारे में. द प्रील्यूड, प्रील्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे उन्होंने लिखना शुरू किया था 1799 में. 13 बुक्स थी इसमें और 14 बुक्स कैसे क्या थी. तो शुरू करते हैं आज की पोइम द प्रील्यूड. द प्रील्यूड इसका दूसरा टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, मतलब कवि के माइंड का ग्रोथ, विकास. इस पोएम के लिए उन्होंने लिखा था मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में. जिस तरह से जॉन मिल्टन की ब्लैंक वर्स है उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा था. ये पोएम शुरू की थी लिखना 1799 में, मतलब 1798 या 1799 यही लगभग उन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू किया था. उनकी एज थी उसमें 28 ईयर्स, 28 वर्ष के थे जब उन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू किया था. जब कंप्लीट की थी तो डेट थी सन 1805. 1799 में लिखना शुरू की थी, 1805 में ये कंप्लीट हुई थी, 1850 में ये पब्लिश हुई थी. अब जब ये 1805 में उन्होंने कंपोज कर दी थी, कंप्लीट कर दी थी, उस समय इसमें बुक्स थी 13, लेकिन जब पब्लिश हुई थी 1850 में तब इसमें बुक्स थी 14. पोएम का नाम तो, टाइटल तो है द प्रील्यूड, लेकिन जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस प्रील्यूड को लिखना शुरू किया था तो इसका कोई टाइटल नहीं दिया था. इसका केवल टाइटल ये था पोएम, या कह सकते हैं पोएम टू कॉलरिज. उन्होंने कॉलरिज के लिए लिखी थी ये, केवल यही था, कोई इसका उन्होंने टाइटल नहीं दिया था. लेकिन बाद में इसका टाइटल रख दिया द प्रील्यूड, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है. इसमें से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्या है, 1799 में शुरू की थी, 1805 में कंप्लीट हो गई थी. जब 1805 में ये कंप्लीट हुई थी तो उसमें इसमें बुक थी 13, और जब 1850 में पब्लिश हुई थी तो उसमें बुक्स थी 14. 1850 में पब्लिश हुई थी उनकी मौत के बाद, मतलब 1850 में उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ के लगभग 3 या 4 मंथ बाद ये पोएम पब्लिश हुई थी. उनकी पत्नी ने ये पोएम पब्लिश कराई थी 1850 में. और 17, जैसा कि 1813 में ये पोइट लॉरेट हो गए थे, 1850 तक, टिल हिज डेथ, अपनी मृत्यु तक ये पोइट लॉरेट रहे थे. तो ये क्लियर है इतना कि 1799 में इन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू किया था, 1805 में ये कंप्लीट कर दी थी. जब कंप्लीट की थी तो 13 बुक्स थी, लेकिन जब पब्लिश हुई थी 1850 में तो इसमें बुक्स थी 14. ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्स में है, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में. अभी देखते हैं जो इसमें 14 पोएम्स हैं ये कौन कौन सी हैं. तो देखते हैं, ये नंबर पहली बुक है जो द इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन है, जिसमें डिस्कस किया गया है उनके चाइल्डहुड के, बचपन के या चाइल्डहुड के बारे में और स्कूल टाइम के बारे में. जो सेकेंड बुक है वो है स्कूल टाइम कंटिन्यूड, स्कूल टाइम के बारे में है. थर्ड बुक जो है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, थर्ड बुक है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज. फोर्थ बुक है समर वैकेशन, और फिफ्थ बुक्स है जिसका नाम है बुक्स. तो ये पांच बुक्स तो ये हो गई. उसके बाद में कुछ बुक्स ये हैं, नंबर सिक्स ये है कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, एक ये है. नंबर सेवन बुक्स है रेसिडेंस इन लंदन. नंबर एट, नंबर आठ ये है रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन. नंबर नाइन बुक है रेसिडेंस इन फ्रांस, फ्रांस में उनका निवास स्थान. फिर जो बुक नंबर टेन आती है वो भी यही है, रेसिडेंस इन फ्रांस, ये कंटिन्यूड, मतलब लगातार वहीं रहे थे उस समय. फिर बुक नंबर इलेवन रेसिडेंस इन फ्रांस, ये आया कंक्लूडेंट, मतलब रेसिडेंस इन फ्रांस, ये तीन बुक थी इस टाइटल से, रेसिडेंस इन फ्रांस, फिर ये कंटिन्यूड, फिर कंक्लूडेड. उसके बाद बुक नंबर 12 ये थी इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड. नंबर 13 13वीं बुक थी इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड कंक्लूडेड, मतलब इस टाइप की दो हो गई. ये जो पहली वाली थी ये भी वही है इमेजिनेशन एंड टेस्ट वाली, ये भी है इमेजिनेशन टेस्ट वाली, ये रिस्टोर्ड वो है ही पूरी, लेकिन ये क्या कंक्लूड, इस तरह से ये दो भाग थे इस वाली की. तो और लास्ट बुक थी कंक्लूजन. ये थी आपके सामने
प्रिल्यूड, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफी है, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्ष में लिखी हुई है, 1798 या 99 में उन्होंने इस पोएम को लिखना शुरू किया था, 1805 में ये कंप्लीट कर दी थी, 1850 में ये पब्लिश हुई थी। जब 1850 में पब्लिश हुई थी तो कितनी बुक थी, 14, और 1805 में जब ये पूरी कर दी थी तब कितनी बुक थी, 13। ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।